बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं डोनट्स की रेसिपी। इसके लिए हमने 2 कप लिया है मैदा और 1 छोटा आलू लिया है उबला हुआ और अच्छी तरह मसला हुआ, गुठली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल इसमें। 1 अंडा, 1 खाने का चम्मच मक्खन मेल्ट कर लें या देसी घी ले लें उसको भी मेल्ट कर लें, और 2 टीस्पून 2 चाय के चम्मच जो है वो खमीर लिए हमने, 2 टेबलस्पून शुगर लिया है पिसी हुई 2 खाने के चम्मच, और इसके अलावा 1/4 कप हमने दूध का लिया है, और इसी कप से हमने मैदा भी जो है वो डाला है। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच जो हमने देसी घी लिया है, मक्खन ले लें या देसी घी, हमने देसी घी लिया वो डाल लें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको मक्खन को या घी जो भी आपने डाला है वो अच्छी तरह मिक्स करके इसमें खमीर डाल दें, उसको भी अच्छी तरह मिला लें। और इसके बाद चीनी डाल दें, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लें। अभी आलू भी डाल लें, आलू अच्छी तरह उबला हुआ और बिल्कुल बारीक मसला हुआ होना चाहिए, इसमें कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, इसको भी मिला लें। और अंडा भी डाल लें, 1 अंडा ही फेंटा हुआ, ये भी शामिल कर लें। इसके बाद दूध जो आपने लेना है वो हल्का सा, इसको कहते हैं गुनगुना सा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए लेकिन हल्का सा, अभी थोड़ा थोड़ा करके आप डाल दें इस, और डो को जो है वो गूंद लें। हमने 1/4 कप दूध लिया था, इसमें से 1/2 कप जो है वो इस्तेमाल हुआ है, तो आप भी थोड़ा थोड़ा डाल के देखें, फिर जो है उसी हिसाब से डालें। ये डो हमारी गूंद गई है, अब इसको हमने 1/2 घंटे के लिए रेस्ट दे देना, फिर हम आगे करते हैं। ये हमने 1/2 घंटा रखी है, डो हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम बेल के और संत बना कर तो दिखाते हैं सब्जी। ठीक है, अब हम इस डो से को बेल कर तो बनाते हैं। ये डो को मैदा लगा कर और आप बेल लें, रोटी से थोड़ा सा थोड़ी सी मोटी डो होनी चाहिए, और अब हम जो है इसको सांचे से काटते हैं। अगर सांचा है आपके पास गोल तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ढक्कन ले लें, इसको ऐसे मैदे से लगा के तो करें। और छोटा सांचा मेरे पास है, अब दो हम लगाएंगे दरमियान में, इसी तरह जो आप सारे डोनट्स जो हैं वो काट लें। ये देखिए हमने ये बना लिए हैं, इसी तरह आप सारे डोके बना लें और फिर इसको जैसे उतार लें, फिर इसको सारी को उतार लें, इसके दरमियान में से इसको अलग कर लें, और डोनट्स को जो है वो साइड पे रख लें, और इसको आपने काट के भी इसको 15-20 मिनट रखना है कम से कम, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये देखिए हमने सारे डोनट्स जो है उनको शेप दे दी है, और ये 19 बने हैं। अब
अब कढ़ाई में हमने खुला ऑयल डाल लिया है, उसको गर्म कर लिया। हमने आँच जो है ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी, बिल्कुल हल्की भी नहीं, थोड़ी लो टू मीडियम रखनी है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह पक जाए। अब हम देखते हैं हमारा ऑयल रेडी हो गया। हाँ जी, मैं थोड़ा सा जो है डो डाली है वो ऊपर आ गई, उसका मतलब है कि हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डोनट्स जो है वो डालते हैं। इसमें सबने चार पांच ही डालने हैं एक दफा में, बर्तन के हिसाब से, बर्तन छोटा तो कम डालें और इसको अच्छी तरह हमने गोल्डन से कलर कर लेना है इसका। एक तरफ से पक जाए तो फिर दूसरी तरफ पलट लें। ये एक साइड से हो गया गोल्डन, दूसरी साइड पलट रहे हैं। देखें इसका प्यारा कलर आया है इनका। देखिए इनका कलर गोल्डन हो चुका है, पक गए सही तरह। अब इनको निकाल लेते हैं और इसी तरह हम सारे अपने डोनट्स जो हैं वो बना लेंगे। ये देखिए हमारे सारे डोनट्स जो हैं बहुत अच्छे बन गए हैं। तब हम आपने लेनी है पिसी हुई चीनी और इसको छान के चीनी को इसके सारे ऊपर जो है आपने फैला देना है। ये देखिए हमने सारे डोनट्स पर जो है वो पिसी हुई चीनी डस कर ली है। अब हम इसके ऊपर जो है चॉकलेट सिरप वो डाल देंगे। अभी देखिए हमने इस पे सारे पे चॉकलेट सिरप जो है वो डाल दिया है। अब ये थोड़े से जो है उन पे हम थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे, ये आपकी मर्ज़ी है। इस पे आप स्प्रिंकल भी डाल सकते हैं। देखिए हमारे बेहतरीन डोनट्स जो हैं वो तैयार हैं, खोल के भी आपको दिखाते हैं। अंदर से भी बेहतरीन पक चुके हैं और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़े के होंगे। आप बनाइएगा और हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी और रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।